मणिपुर से एक बड़ी जानकारी आ रही है कि इस वक्त दूसरे चरण का मतदान आज मणिपुर के अंदर हो रहा है और बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। आपको बताते हैं कि खबर क्या है, क्योंकि मणिपुर से ये खबर आ रही है कि दूसरे चरण के मतदान के बीच फायरिंग हुई है और मतदान के बीच पोलिंग पार्टी पर फायरिंग की खबर आ रही है। वो जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है। खबर बड़ी है, आपको बता रहे हैं, मतदान प्रभावित होने से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मणिपुर में दूसरे चरण के मतदान के लिए जब वोटिंग हो रही है तो उस बीच फायरिंग हुई है। इससे पहले हमने देखा कि पहले चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन 5 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना था और वही तस्वीर आज देखने को मिल रही है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से मामले को संभाला हुआ है। मतदान प्रभावित हो रहा है, इससे लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। लगातार हम आपको कवरेज चुनावों से जुड़ी हुई भी बता रहे हैं, इसलिए आज मणिपुर में जब दूसरे चरण का मतदान है तो जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं कि किस तरीके से फायरिंग होती है और पुलिस की तरफ से मोर्चा संभाल लिया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए अब दूसरे चरण का मतदान मणिपुर में हो रहा है और इस बीच ये फायरिंग यहाँ पर हुई है, जिससे मतदान में बाधा उत्पन्न हुई, जिससे लोगों में खासा नाराजगी देखी जा रही है और वो यहाँ पर मतदान